हम लोग आए अभी भंजनगर का बालेश्वर मंदिर जो है बेलेश्वर नट वाला सर ओके आई एम सॉरी बेलेश्वर मंदिर आए हुए हैं और जहाँ पे स्टैचू जो है शिवा का सबसे बड़ा स्टैचू है वो जाकर हम लोग देखेंगे। तो इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल का यह मेन एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे और गेट से एंट्री करने के साथ ही हमें भगवान शिव और विष्णु के कुछ इस तरीके के हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती है। और अभी हम लोग यहाँ पर आए थे, फाउंटेन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ के सिक्योरिटी को बोल के फाउंटेन स्टार्ट कराया और आप देख सकते हैं अभी पहाड़ से पानी गिरने के साथ ये कितना सुंदर और अद्भुत सा लगता है देखने में। और कुछ आगे जाने पर हमें एक और यहीं से पहाड़ से पानी गिरने का दृश्य दिखाई देता है। और अब हम लोग देख रहे हैं उड़ीसा का सबसे बड़ा और इंडिया का छठा सबसे बड़ा शिवा स्टैचू। यह मूर्ति विश्वसनीय है और प्रेरणादायक भी, जो भगवान शिव की अद्वितीय महिमा को प्रकट करती है। और जब मैं ये मूर्ति को सामने से देख रहा था तो कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि सच में महादेव और नंदी मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। और आपका मन करेगा कि इनको आप देखते ही रहे, आप इनसे नज़र नहीं हटा पाएंगे। दोस्तों ये विशाल मूर्ति के साथ साथ आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। मैं आपको और पास से चलकर दिखाता हूँ। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि शिव के अलग अलग तरह के लिंग होते हैं, जैसे कि ज्योतिर्लिंग, आराध्य लिंग, आकृति लिंग, उद्योति लिंग, शंभुलिंग, आयात लिंग, परदेशी लिंग, पानी लिंग और बाण लिंग। और इन सारे लिंगों का अपनी अपनी विशेषता है। बाबा भोले शंकर का दर्शन करने के बाद यहाँ पर स्थित भंजनगर रिजर्वायर को आप कभी मिस मत कीजिएगा। और यही रिजर्वायर के नीचे आपको बीजू पटनायक चिल्ड्रेन पार्क का भी जाने का रास्ता है। तो अभी हम लोग चिल्ड्रेन पार्क तो नहीं जाएंगे मगर रिजर्वायर चलकर देखते हैं। और वहाँ जाने के लिए ये स्टेयर केस भी बनाया गया है। और नीचे जाने के बाद इस पहाड़ी के सामने रिजर्वायर का ये शानदार दृश्य आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देगा। तो 1894 में बना यह रिजर्वायर में बड़ा नदी नामक रिवर का पानी आता है। यह न केवल एक आकर्षण का केंद्र है बल्कि यह जगह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और यहाँ पर शाम का यह शानदार दृश्य तो देखने लायक होता है। उसके बाद यहीं से ऊपर से हमें बीजू पटनायक चिल्ड्रन पार्क देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर से ये कितना शानदार देखने में लगता है। तो यदि आप बीजू पटनायक चिल्ड्रन पार्क जो है देखना चाहते हैं और उसकी अलग अलग खासियत के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आपका ये पूरा पार्क का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया। और मंदिर का? एक्सेलेंट। वाह, ये हमारा आश्रय जो फीडबैक दे रहे थे।